माननीय मंत्री जी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, विनोद अग्रवाल सायम के प्रेसिडेंट और एक्पा के प्रेसिडेंट श्रद्धा सूरी जी आए हैं। यहाँ पर सब आज इकट्ठा हुए हैं हम लोग। ये ऑटो रिटेल कॉन्क्रेव का पर्पस ये है कि इंट्रोस्पेक्ट करना कि एक साल में क्या क्या व्यापार हुआ है, किस किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, क्या क्या काम हुआ है और आगे आने वाले सालों में क्या क्या काम और बेहतरीन रूप से किया जा सकता है, मिलजुल के साथ में जुड़ के। और फाइनली ये सबका एक ही मोटिव है कि और कैसे ग्राहक की जो है सेवा ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंचाई जाए। ये सब के बारे में आज पूरा दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा और इनके डिस्कशंस होंगे। गवर्नमेंट के तरफ से देखा जाए कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, अलग अलग व्हीकल को उतार रहे हैं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं इंडस्ट्री में आगे की फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल भी एक नया आयाम, नया रिकॉर्ड गेन किया है। आप पैसेंजर कार देखिए, एक ऑल टाइम हाई फिगर में है। थ्री व्हीलर देखिए, काफ़ी मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर के आसपास आ चुका है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री 8,27,000 गाड़ी के साथ एक नए आयाम क्रिएट कर चुका है। तो हर एक चीज़ जो है ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो अभी हमारा फेस्टिव सीजन हम जिसको बोलेंगे नवरात्र से दिवाली, उसमें भी रिटेल के मायने से एक ऑटो इंडस्ट्री एक नई ऊँचाइयों को छुएगी।